एक्स एमएलए कैंडिडेट का वोट लगाकर ये शख्स दरभंगा में घूम रहे थे। आप देख रहे हैं कि 34 बाबू बरही विधानसभा का ये बोर्ड लगा के शहर में घूम रहे थे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के भंडार चौक पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी क्रम में इन्हें पुलिस ने रोका। उस वक्त में कुछ पत्रकार भी वहां थे। जब पत्रकार इनसे पूछा कि आप एक्स एमएलए कैंडिडेट का बोर्ड लगा के क्यों घूम रहे, तो इन्होंने सबसे पहले तो अंग्रेजी में पत्रकारों से बात करने लगे। जब कुछ पत्रकारों ने कहा कि हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा, तो ये हिंदी में बोले। कुछ देर के बाद बोल के ये आगे बढ़ गए। तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। जैसे पुलिस को पता चला कि ये शख्स आगे बढ़ गए हैं, तो दरभंगा के सदर SDPO अनोज कुमार ने करीब 2 किलोमीटर पीछा कर इन्हें बाघ मोड़ के पास इन्हें पकड़ा। विश्वविद्यालय थाना में इनकी गाड़ी जब्त हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपना नाम मनोज झा बताया, जो बाहुबली विधानसभा के पूर्व एक्स एमएलए कैंडिडेट हैं दरभंगा दर्शन से। मनोज झा, आई वॉज एक्स एमएलए कैंडिडेट फ्रॉम 34 बाबूबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आई एम गोइंग टू परचेज द मेडिसिन फॉर कोरोना। हिंदी में हम लोग हिंदी में चैनल है, हिंदी है, हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। आप बताइए कि एक्स एमएलए का जो आपका लिखा हुआ बैनर लगा हुआ, ये कौन सा पोस्ट है और ये लगा करके लॉकडाउन में चलने का मतलब क्या? कैंडिडेट का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है? तो एमएलए जो लड़ता है उसका विद्यार्थी को कैंडिडेट बोलते हैं। अगर कैंडिडेट नहीं लगा रहता तो हम विधायक होते, एक्स एमएलए होते, यही है। तो ये बैनर लगा के चलना जरूरी है, तो बैनर लगाना जरूरी है, ठीक है? थैंक यू। आपको लगता है कि बिहार क्या बिहार में ऐसा नियम है कि एक्स एमएलए कैंडिडेट लगा के बैनर घूमना है लॉकडाउन में? है ऐसा नियम क्या? ऐसा है नियम क्या? थैंक यू। नाम बताइए आप अपना। नाम बताइए। मनोज झा नाम हुआ मेरा। आप किस विधानसभा से? बाबूबरी। जवाना जी कहाँ गए जी? खड़ा जाओ ना, वीडियो बना दे, हो जाएगा अच्छा से ना। मनोज झा, अगर इस पे FIR अभी दर्ज करते हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।